मुंबई यात्रा पर आए अयोध्या जिले के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पूर्व विधायक तुकाराम काते को श्री राम की मूर्ति भेंट स्वरूप दी और आगामी विधानसभा चुनाव में काते को विजेता होने का आशीर्वाद दिया। आचार्य ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि कार सेवकों की टीम में तुकाराम काते सबसे आगे रहते थे। गौरतलब है कि शिवसेना नेता तुकाराम काते आगामी विधानसभा चुनाव में चैंबूर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुझे बड़ी खुशी है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जिस समय जो है तो बाबरी कलंक ढहा था, लोगों ने कहा शिव सैनिकों ने तोड़ दिया, तो सब लोग जब डर रहे थे उस समय बाला साहब ठाकरे ने कहा मुझे प्राउड है, गर्व है कि हमारे शिव सैनिकों ने उस कलंक को ध्वस्त किया है। तो सबसे पहले जो है उस बाबरी पर जो है पहला हथौड़ा चलाने वाले मुंबई के लोकप्रिय आमदार श्री तुकाराम काते जी थे। आज मैंने इनको रामलला की मूर्ति भेंट किया है और आशीर्वाद मैं दिया हूं राम जी की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से, साधु संतों की ओर से मैंने आशीर्वाद दिया और यहाँ की जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि और अधिक मत से इनको विजयी बनाइए। हाँ, तुकाराम काते जी, आपका जो सनातनियों के प्रति योगदान है ये भुलाया नहीं जा सकता है। जिस समय गोली चल रही थी वहां, उस समय आपने अपने जान की परवाह नहीं किए और आप जो है उस गुम्मज पर चढ़ करके पहला हथौड़ा आप चलाए थे, इसलिए आप विजयी हो। और इसके बाद हम लोग फिर से रामलला का प्रसाद लेकर के आएंगे और बहुत अच्छा आपकी पार्टी काम कर रही है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वैदिक संस्कृति है, जिसमें वेदों में कहा गया है गावो विश्वस्य मात्रे, गाय संपूर्ण विश्व की माँ है। तो ये बहुत सराहनीय कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया है, बहुत अच्छा काम कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। इसलिए शिवसेना को, माननीय यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद है। इसी तरह अच्छा काम करते जाए और जनता से, मैं एक सन्यासी होने के नाते मैं ये भिक्षा मांगूंगा कि इस बार वोट में और बढ़ चढ़ के दीजिए कि शिवसेना और भाजपा का गठबंधन विजयी हो, फिर से माननीय शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। और एक हमारी मांग भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का हत्यारा आतंकवादी औरंगजेब की जो कब्र है वो महाराष्ट्र की धरती से हटा दिया जाए, वहां सार्वजनिक सुलभ शौचालय बना दिया जाए। ये बात जो है हम सबको इस बात से दुख है कि अभी तक उसकी कब्र नहीं हटी और पूरे भारत में जहां कहीं भी उसका नाम से रोड है, जैसे दिल्ली में कहीं अकबर रोड है, इस औरंगजेब रोड है, ये सारी हटा दी जाए। क्योंकि औरंगजेब मुसलमानों के लिए भी ठीक नहीं था, क्योंकि अपने सगे तीन भाइयों का गर्दन काटा था केवल इसलिए राजा बनने के लिए, अपने बाप को जो है तो जेल में डाल दिया था, पानी बिना उसका बाप तड़प रहा था। तब उस समय शाहजहां ने कहा था कि धन्य है हिंदू, धन्य है सनातनी कि मरने के बाद भी अपने पितरों के नाम से जल देते हैं। तो इसलिए औरंगजेब की जहां कब्र है वो हट करके वहां सुलभ शौचालय बने। इस बार सरकार बनाने के बाद आपको ये करना है, ये हमारी मांग है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपका जो आज मिल करके, क्योंकि आज जो राम मंदिर बना है उसमें आपका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। सबसे पहले जो है आप गुम्बज में, आज अभी भी फोटो है वो गुम्बज में चढ़ करके पहला हथौड़ा आप चलाए थे। जय श्री राम। हमारा, हम प्रचार में ही आए, हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं अयोध्या से राम जी को, और हम प्रचार में आए हैं पूरी पार्टी के प्रचार में। शिवसेना और भाजपा का जो गठबंधन है फिर से विजयी होगा। यहाँ की जनता से मैं ये अपील कर रहा हूं कि इन्हीं को वोट मिलना चाहिए। और चूंकि उद्धव ठाकरे जो है वो रास्ता छोड़ दिए हैं, तो भाजपा और जो है शिवसेना की मित्रता श्री राम और सुग्रीव जैसे है। जैसे जब वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं शिवसेना को कभी जो है कांग्रेस नहीं होने दूंगा, तो जब वो अपने अपने पिता की उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, तब बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत की रक्षा के लिए तमाम आरोप प्रत्यारोप को दरकिनार करते हुए और एकनाथ शिंदे जी ने उनके सिद्धांत को बचाने के लिए अपने आप को फिर अलग किया और आज वो मुख्यमंत्री है। और इसी को कहते हैं नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। महापुरुषों के सिद्धांत की रक्षा के लिए आपने आगे कदम बढ़ाया है और पूरा देश आपके साथ में है, सभी सनातनी आपके साथ में है। जय श्री राम। आज हमारे तो भाग खुल गए हैं कि अयोध्या से महाराज जी
चेंबूर में आए हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दर्शन लिए हैं और मुझे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा जरूर, क्योंकि अयोध्या से आए हैं। अयोध्या में जो मुझे तकलीफ हुआ है वो बाबा जी हमारे जानते हैं, इसके लिए भगवान ने उनको भेजा है। मैं कभी सोचा नहीं था कि अयोध्या से हमारे महाराज जी इधर आएंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, ये मैं कभी मेरे जन्म में सोचा नहीं था। लेकिन ये बहुत बड़ा योगायोग है कि आगे का जो वाट चले उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा होने वाला है। और आने वाला जो चुनाव है वो चुनाव में उनका आशीर्वाद से मैं चुन के आऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये अचानक हुआ वो परिस्थिति ये बोल नहीं सकता था। पांडे जी ने मुझे फोन किया और अयोध्या से महाराज जी आए हैं, आप रुको। तो मैं शिवाजी महाराज के इधर ही था तो उधर रुके और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिले और मुंबई में फिर एक बार आप पधारे, बहुत अच्छा हो जाए। इस बारे में बहुत खुशी है। मैं बाबरी का ढांचा जब भी गिर रहा था, जब भी मैं बहुत जवान था, तो मैंने एकदम टॉप पे ऊपर चढ़ा था और पार जो लेके वो मैं बहुत सारा हम लोग ताकत लगा के वो तोड़ा है। तो वही आशीर्वाद है और राम जी ने, मुझे लगता है प्रभु श्री राम जी ने बाबा जी को मुझे आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। योगायोग से आए, कोई बुलाया नहीं, कोई गया नहीं, कोई फोन नहीं किया, वो यहाँ पे आए, मेरे शाखे में बैठे, शिवाजी महाराज के दर्शन लिए। तो मुझे ऐसा लगता है प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद वो खुद मुझे देने आए हैं, वो आशीर्वाद मुझे मिला है, ऐसा मैं समझता हूँ। कोई महाराज प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेके महाराज जी आशीर्वाद देने के लिए मुझे आए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और उनका जो आशीर्वाद है वो मुझे लगता है श्री राम जी का जो आशीर्वाद है वो नाम में भी मेरा टुकड़ा राम है तो लगेगा ही, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।